हेलो अभिमन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हमारा पॉलिटिकल साइंस है, और आज हम लोग इस चैप्टर को अंतिम कर लेंगे, क्योंकि हम लिख रहे थे आपका लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की बात हम कर रहे थे। अर्थ को हमने देखा कैसे सुधार होंगे, क्या उनके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके, इन पॉइंट्स को हम लोग अपने इसमें लिख रहे थे और एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इन पर बात भी कर रहे थे। कुछ हमने पॉइंट्स को क्या है इसके अंतर्गत लिख चुका था। अंतिम पॉइंट हमने लिखा कि कई राज्यों ने क्या काम किया है कि एक ऐसा नियम बनाया है कि हम अपने पंचायत निकाय चुनावों में जिनसे जिनके दो बच्चे हैं, या मान लीजिए जिनके दो बच्चों से अधिक हैं, वो निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कभी कभी ऐसा होता है जो हम काम अच्छे करते हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो एकदम उल्टे निकल आते हैं। तो ये सारी चीज हम क्या इसमें आपका आपका देखनी थी और इन पर हम लोगों को बात भी करनी थी। आगे देखना है, सबसे बढ़िया कानून वह है, सबसे बढ़िया कानून वह है, वह कानून जो लोगों में लोकतांत्रिक अधिकारों की सुधार करने में ताकत देता है। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, आगे लिख रहे हैं इसी में। देखिए इसी में एक पॉइंट है, सबसे बढ़िया कानून वह है जो कानून जो कानून लोगों को, ध्यान देना है, जो कानून लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों में सुधार करने की ताकत रखते हैं। लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत कोशिश और रखते हैं। क्या करते हैं? लोकतांत्रिक सुधार करने की आपका कोशिश रखते हैं। लिखिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं, कल 30 सेकेंड है, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़े। देखिए, ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं थोड़ा सा, जो हमारा एक अधिकार है, सूचना का अधिकार, लोगों को जानकार बनाने, क्या क्या, देखिए अगला पॉइंट है कि सूचना का अधिकार लोगों को जानकार बनाने, जानकार बनाने तथा लोगों को लोकतंत्र में रखवाले के तौर पर सक्रिय उदाहरण है, तथा लोगों को रख वाले के तौर पर एक उदाहरण है। कैसा है? रखवाले के तौर पर एक उदाहरण है। अगर देखिए,
लोकतांत्रिक सुधार राजनीतिक दल ही करते हैं। क्या कह रहा है? लोक तांत्रिक सुधार और राजनैतिक दल ही करते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म जो होगा कौन करेंगे? आपका पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए राजनीतिक सुधार पर जोर मुख्य है, इसलिए राजनीतिक सुधार मुख्य है। क्या कह रहे हैं कि जो राजनीतिक सुधार है वो क्या है आपका? मुख्य है। ठीक, सुधार क्या है? मुख्य है। लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, कह सकते हैं लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बने होने पर, मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को मजबूत बनाने के लिए। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, आप ये एक बार पीछे वाला कॉपी कर लें, बच्चों नहीं हुआ था, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए ये कंप्लीट हो गया, अब हम कुछ प्रश्न उत्तर की बात करेंगे इसके बाद, ठीक है? चलिए कॉपी करिए। देख लिया आप लोगों ने, कॉपी कर लिया है? जल्दी करिए, आगे बढ़ रहे हैं, फिर हाथ खड़ा कीजिए आप लोग जैसे कॉपी कर लेते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, और ये नोट आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन है, उन दो लोकतांत्रिक देशों का नाम बताइए जिन्हें जिनके विस्तार में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन दो देशों का नाम बताओ जो लोकतांत्रिक देशों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें अपने विस्तार की चुनौती है। कौन से ऐसे दोष हैं? उन देशों का नाम बताइए, उन दो देशों का नाम जिन्हें लोकतांत्रिक देशों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें लोकतांत्रिक जिन्हें क्या है अपने विस्तार की चुनौती है।
पहला जो इसमें आंसर हो जाएगा, ध्यान देना है, पहला हो जाएगा श्रीलंका, दूसरा हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा दूसरा? थाईलैंड कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, करिए कॉपी, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को लिखें, फिर जैसे आगे लिख लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो गया बच्चों, जल्दी बताइए, देख लिया? अगला देखिए, राजनीतिक सुधार क्या है ये बताना है आपको। ठीक, बताइए क्या है राजनीतिक सुधार। देखिए, राजनीतिक सुधारों को मुख्यतः क्या है, क्या कह रहे हैं, राजनीतिक सुधारों को मुख्यतः लोकतंत्र की चुनौतियों को लोकतंत्र की चुनौतियों को तीन बुनियादी समस्या में बांटा जाता है। क्या करते हैं, उनमें बांटा जाता है। कौन कौन सी हैं बुनियादी समस्याएं? पहला है बुनियादी चुनौती, दूसरा देखिए इसमें विस्तार संबंधी चुनौती, विस्तार संबंधी चुनौती, और तीसरी का हमने इसमें नाम लिखा है लोकतंत्र को गहरा और मजबूत करने की चुनौती। क्या है आपका, ध्यान रखना है, लोकतंत्र को गहरा व मजबूत करने की चुनौती। लिख लीजिए, लिखिए। कर रहे हैं बच्चों, जल्दी करिए, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सूचना के अधिकार का महत्व बताओ। सूचना के अधिकार का महत्व, देखिए सूचना का अधिकार लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र में सक्रिय बनाने के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है ध्यान रखिए, सूचना का अधिकार लोगों को क्या कह रहे हैं, लोगों को जागरूक बनाने तथा सक्रिय बनाने के लिए सूचना का अधिकार है। आप इसे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं। लोकतंत्र में और राजनीतिक सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं। बताइए बच्चे, तो देखिए एक बात करेंगे इसमें कि लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार निम्न तरीके से किए जा सकते हैं। लोकतंत्र में और राजनैतिक सुधार निम्न तरीके से किए जा सकते हैं। क्लियर है? जैसे किसी भी देश में सबसे पहले सुधार राजनैतिक रूप से किए जाने चाहिए। कैसे हो? राजनीतिक रूप से आपके किए जाने चाहिए।
सबसे पहले कहां सुधार होना चाहिए? राजनीतिक सुधार। कानूनों को समय समय पर तर्क संगत रूप से प्रयोग करना चाहिए। कैसा है? प्रयोग करना चाहिए। पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अपने नागरिकों को मूल अधिकार में बढ़ावा करना चाहिए। सूचना के अधिकार जैसे नियमों को और लागू करना चाहिए। अगला लिखिए, सभी लोगों को समान अधिकार मिले। क्या मिले? सभी लोगों को समान अधिकार मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये आपका चैप्टर है, आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नई बुक के साथ हम लोग मिलेंगे। ये बुक भी आपकी समाप्त होगी। तो बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।